नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदांस मॉम गार्डन। तो दोस्तों, जैसे कि प्लांट देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है स्नेक प्लांट और सेंसिवेरिया भी कहा जाता है, और बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन कॉमन नेम है स्नेक प्लांट और सेंसिवेरिया। दोस्तों, इसको स्नेक प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लीफ देखिए स्नेक के टाइप का होता है, इसलिए इसको स्नेक प्लांट कहा जाता है। ये ऑक्सीजन रिच प्लांट है और ये एक इंडोर प्लांट है। आप अपने रूम में रख सकते हैं, बेडरूम, लिविंग रूम, कहीं पे भी रख सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल रोशनी ना आती हो, ऐसी जगह में भी आप इसको रखेंगे तो भी ये चल जाता है। और दोस्तों, एयर में जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो सब ये प्योरीफाई करता है, ये लीफ इसके सब एब्जॉर्ब करते हैं और आपका एयर प्योरीफाई होता है। तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिए, और लो मेंटेनेंस प्लांट है। और दोस्तों, अगर आप कहीं वैकेशन में जा रहे हैं, 15-20 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो भी इस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें एक बार वाटरिंग कर दीजिए, 15-20 दिन तक इसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अगर आप इंडोर रखे हैं। और अगर आप इसको आउटडोर रखे हैं तो इसका मिट्टी आपको चेक करना होगा, अगर ड्राई हो गया है तभी आप इसमें पानी दीजिए। तो चलिए वन बाय वन सारी बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोयल इसको कैसा पसंद है। तो दोस्तों, ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, और जैसे कि हम सभी सकुलेंट वैरायटी के प्लांट में सोयल मिक्सर तैयार करते हैं, सेम वही सोयल मिक्सर चाहिए, कोई अलग सा इसको नहीं चाहिए। उसमें आप 1/3 गार्डन सॉइल ले लीजिए, 1/3 वर्मी कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र आप ले सकते हैं 1/3, और 1/3 आप बजरी जो रिवर सैंड होता है वो मिला लीजिए। दोस्तों, रिवर सैंड आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ईंट होंगे या छोटे छोटे पत्थर कंकड़ होंगे, आप उसको क्रश करके थोड़ा महीन बना लीजिए और उसको डाल दीजिए तो ये चल जाएगा। ये बजरी डालने का बस मकसद ये होता है कि आपका सोयल जो है वेल ड्रेन हो, इसमें पानी रुके ना, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, इसलिए ही बजरी मिलाया जाता है, नहीं तो और कोई उसका कोई रीज़न नहीं है। और दोस्तों, इसके बात करते हैं ग्रोइंग पीरियड। तो समर इसका ग्रोइंग पीरियड है, समर में ये प्लांट बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, और विंटर इसका डोमेंसी है। तो विंटर में इसमें बिल्कुल पानी मत दीजिए, मतलब बहुत कम, एक बार देंगे तो एक महीने चल जाएगा। डोमेंसी में बिल्कुल पानी इसको नहीं देना है, अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे विंटर में तो हो सकता है ये प्लांट आपका ख़राब हो जाए। और दूसरी बात करते हैं इसका सर्वाइवल। दोस्तों, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार आप अपने घर में इसको लाएंगे तो 20 से 25 साल तक इसका लाइफ होता है, आराम से ये चल जाता है। मैक्सिमम 20 से 25 साल और मिनिमम 5 से 10 साल ये आपके घर में ज़रूर रहेगा। और ये इस तरीके से इसका पफ बनता है, ये देखिए, तो ये अपने आप मल्टीप्लाई होते रहता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि प्लांट ख़राब हो जाए फिर से दोबारा लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। एक बार आप इसको अपने घर में रखेंगे तो बार बार ये अपने आप मल्टीप्लाई होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों, इसमें कभी भी कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करता। ये प्लांट मेरे पास 4 साल से है और मैंने आज तक इसमें कोई भी इंसेक्ट अटैक, फंगल अटैक नहीं देखा है, और इसमें मैं कभी स्प्रे भी नहीं करती हूँ। बस इसमें मैं महीने दो महीने में एक बार गीले कपड़े से इसके जितने भी लीव्स है वो मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो डस्ट इस पे पड़े हैं वो सब क्लीन हो जाए और प्लांट आपका देखे इतना फ्रेश और क्लीन दिखे। तो एक दो महीने में मैं इसके लीव बस गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, और इसमें मैं कुछ भी आज तक मैंने स्प्रे नहीं किया है, इसमें कोई इंसेक्ट पड़ते ही नहीं है। और दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोपागेशन की। तो दोस्तों, ये बहुत ही ईजिली प्रोपागेट हो जाता है। एक है ये ऐसे बेबी प्लांट निकलता है, आप इसको आप निकाल के दूसरे प्लांट में, दूसरे पॉट में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा है आप लीफ से प्रोपागेट कर सकते हैं, जैसे कि ये है लीफ से। इसी प्लांट का एक लीफ टूट गया था, तो मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐसे लगा दिया था। तो दोस्तों, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, कैसे मैंने लीफ से प्रोपागेट किया था।
तो दोस्तों ये आप इतना इतना या इससे भी छोटा भी आप कट कर सकते हैं लीव, और आप पानी में डाल दीजिए और 2-3 महीने लगते हैं पानी में, जैसे रूट उसका निकलने लगे तो आप दूसरे ये मिट्टी में सोयल में आप डाल दीजिए, ये अपने आप हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सब मैंने लीव से ही प्रोपागेट किया है, और भी थे लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स उनको ये प्लांट चाहिए था तो मैंने ये पॉट के साथ ही उन्हें दे दिया था। और दोस्तों ये आप ये नोटिस करेंगे कि ये लीफ में देखिए ये लाइनिंग है, इसमें भी साइड में ये येलो कलर की लाइनिंग है बट इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये है कि अगर आप लीफ से प्रोपागेट करते हैं तो ये इसमें जो ये लाइनिंग साइड में होता है वो नहीं बनता है, देखिए मेरे किसी भी पॉट में नहीं है, और ये जो पफ से बनता है उसमें ये लाइनिंग होता है। तो ये है दोस्तों, इसमें ये मैंने नोटिस किया है। और दोस्तों इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो इसका बस एकमात्र प्रॉब्लम होता है रूट रॉट, और वो होता है ओवर वाटरिंग से। अगर आप इस प्लांट में ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये रूट रॉट हो जाएगा, आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। देखिए इसके लीफ इतने कड़क होते हैं, देखिए कितना ये कड़ा है। अगर आप चाहे तो ये लीफ से ही आप ये पॉट को उठा सकते हैं, और अगर ज़्यादा पानी हो गया तो ये लेगी हो जाता है, जैसे कि ये देखिए ये ऐसे झुक जाते हैं नीचे की तरफ, ये लटक जाता है, इसमें ओवर वाटरिंग हो गया था इसलिए ये पूरा लटक गया है। तो इसमें मैंने पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो ये मिट्टी जो है पूरा ड्राई हो जाए, अब इसमें पानी मैं दूंगी, देखिए ये पूरा ड्राई हो गया है तो अब इसमें हम पानी देंगे, और एक बार पानी देंगे बहुत अच्छे से इसमें पानी दे देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद 10-15 दिन तक इसमें पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हमें चेक करना है कि इसमें मिट्टी पूरा सूख गया हो तभी हमें देना होगा। ऐसे ज़्यादा अगर आप पानी देंगे तो इसमें ये प्लांट ख़राब होने का बस एक ही रीज़न है, रूट रॉट। और दोस्तों रिपोर्टिंग की बात करें तो इस प्लांट को ज़्यादा रिपोर्टिंग पसंद नहीं है, जब इसके रूट बाउंड हो जाए तभी इसको रिपोर्ट करना चाहिए। अभी देखिए इसमें इतना ज़्यादा स्पेस है तो इसको बिल्कुल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट हो जाए और इसको बढ़ने के लिए जगह ही ना मिले तो इसको रिपोर्ट करना चाहिए। और इसको रूट बाउंड पसंद है तो जब बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाए तभी इसको दूसरे पॉट में इसको शिफ्ट कीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ मैंने पूरा आप जितने भी पॉइंट्स जितने मुझे अभी याद है वो सब मैंने इसमें कवर कर लिया है। अगर फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं वो क्लियर कर दूंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।